हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं अभी बिल्कुल नया टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, बिल्कुल मैंने बताया आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है उत्सर्जन। तो हम यहाँ पे उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है, वो क्यों होता है, कैसे कैसे होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, उत्सर्जन। उत्सर्जन, अब देखिए इसमें हम ये पढ़ेंगे कि उत्सर्जन होता क्या है, उत्सर्जन कैसे कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। बट उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि उत्सर्जन होता क्या है, नहीं तो जब हमें यही नहीं पता कि उत्सर्जन क्या होता है, हम कैसे बता पाएंगे आगे पूरी प्रोसेस कि वो कैसे कैसे होता है, ठीक है। उत्सर्जन का मतलब देखिए ना, इसका मेनली अगर बात देखें कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना। ठीक है, इसको क्या करना, बाहर निकालना। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, उत्सर्जन, सभी उत्सर्जन किसका करेंगे, मतलब आप एक बात बताइए, हमारे बॉडी से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, वो भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। आंसू निकल रहे हैं, वो भी तो क्या बाहर निकाल रहे हैं, वो बॉडी से बाहर तो सिक्रेट हो रहे हैं वो। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो, मतलब हमारे शरीर के अंदर इसका कोई यूज़ नहीं होता है, तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ, कुछ ऐसे भी पदार्थ हो जो होते हैं जो बहुत मतलब पॉइजनस होते हैं, बहुत विषैले होते हैं, उनको जब शरीर से बाहर निकाला जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, वो उत्सर्जन कहलाती है। इसकी डेफिनेशन अगर हम दें तो निकालेंगे क्या, अपशिष्ट पदार्थ जीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को उनको क्या करना, ये तो मैंने बताया बाहर, अब उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। जीवों के द्वारा क्या निकालेंगे, अच्छी चीज़ें तो निकालने से रहे, निकालेंगे क्या, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनको बाहर निकालेंगे। तो जीवों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। ये आया समझ में, ये प्रोसेस मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपसे सब पूछता है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन की परिभाषा दीजिए, तब आपको ये बताना है कि जीवों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि हम उत्सर्जन में मेनली पढ़ेंगे क्या, हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पे हमें यही पढ़ना है कि ये जो उत्सर्जन है, मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो कौन कौन से हैं, वो कैसे कैसे शरीर से बाहर निकाल जा रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से ऑर्गन्स है जो इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता चलेगा कि उत्सर्जन क्या होगा। अब ये तो बात होगी कि उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, अब बात आती है इसके आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़, क्या, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, अब देखिए उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन के लिए या फिर एक्सक्रीशन के लिए जो भी आवश्यक अंग होते हैं, जो भी आवश्यक अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग, या फिर क्या बोलते हैं हम इनको, हम इनको बोलते हैं
एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इससे आपको ये पता हो गया कि जो उत्सर्जन है वो क्या होगा, उसके मतलब क्या क्या चीजें, मतलब सीधा बात है कि उत्सर्जन के अंदर किस चीज का होगा, अपशिष्ट पदार्थों का होगा, उनको क्या किया जाएगा, शरीर से बाहर निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर के लिए जरूरी नहीं है, बॉडी के लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो कुछ जो एक बात करें यहाँ पे, कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ कौन से जो जनरली कैसे होते हैं, अब वो विषैले हो सकते हैं, ठीक है, वो शरीर के लिए घातक हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब अपशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकाला, उत्सर्जन, जो अंग इसमें सहायता करते हैं वो उत्सर्जी अंग, और ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। यानी कि जिस सिस्टम के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि एक्सक्रेशन कैसे कैसे होता है, ये तो ये जनरल चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये तो बात हो गई इसकी कि उत्सर्जन कैसे कहते हैं, कौन से अंग होंगे। अब ये तो है कि उत्सर्जन क्या होता है। अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो उत्सर्जन है वो मतलब जो पदार्थ हमने बोले कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकाले जा सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं वो पदार्थ, उसकी बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, किन के अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ इसमें कौन कौन से, जैसे कुछ तो करेंगे अमोनिया का, ठीक है, कुछ किसका करेंगे, अमाइनो एसिड्स का, अमाइनो एसिड्स का, ठीक है, कुछ प्लांट इसके अलावा कुछ जीव कैसे करेंगे, कुछ जीव यूरिन का करेंगे, मतलब यूरिया का करेंगे, कुछ जीव यूरिक एसिड का करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या किया जाता है, जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन किया जाता है। अब ये कैसे हैं, ये ऐसे मैटर हैं जिनको क्या शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब देखिए जनरली हमें बोलते हैं यूरिया है, यूरिक, इनके अंदर अमोनिया जो है वो सबसे घातक होता है, सबसे जहरीला होता है, ठीक है, लेकिन होता इनके अंदर भी है, इसीलिए तो शरीर से बाहर निकाला जाता है इसको, होता तो इनके अंदर भी है, वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इसलिए इनको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है उत्सर्जन क्या होता है, उसके लिए अंग कौन कौन से, उत्सर्जी पदार्थों के नाम बताइए, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना। अब इसके अंदर नेक्स्ट बात आती है कि जो उत्सर्जन मतलब की जो प्रोसेस हो रही है, मतलब इसमें ये जो भी पदार्थ है अपशिष्ट पदार्थ, ये कैसे होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बहुत हानिकारक होते हैं, ठीक है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ है बहुत हानिकारक, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किस लिए, क्योंकि कैसे हो सकते हैं, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, कौन, ये जो अपशिष्ट पदार्थ जिनको हम बता रहे हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ अगर बॉडी के अंदर रहे तो ये क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आया, मैंने बताया उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से, डेफिनेशन क्या होता है, समझ में आया, और मुझे कैसे पता चलेगा समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करके बताइए, लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा वो दबाइए और बताइए कि आपको समझ में आ गया, वो कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश की जाएगी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की। तो ये होता है, इसके अंदर देखिए जो प्रोसेस है वो सारी इस तरीके से होती है। अब हम यहाँ पर बात करें कि जो उत्सर्जन है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों होना चाहिए उत्सर्जन, ये भी तो प्रोसेस इम्पोर्टेंट है कि उत्सर्जन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसकी बात करते हैं। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, उत्सर्जन की आवश्यकता, उत्सर्जन की आवश्यकता, मतलब कि ये क्यों ज़रूरी है, ये उत्सर्जन ये हमें पढ़ना। अब देखिए ये जो क्रिया होती है उत्सर्जन, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनको बॉडी से बाहर निकालेंगे, और वो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे, सभी जीवों में क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो उपापचय क्रियाएं होती हैं वो सभी जीवों के अंदर होती हैं, ठीक है। अब जो सभी जीव तो उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक क्रियाएं तो हो रही हैं, मतलब उसमें मेनली क्या होगा, जैसे अपचयन की क्रिया होगी, उपचयन की क्रिया होगी, तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी से क्या होता है, इनमें बहुत सारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है,
इनमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण जो प्रोसेस होती है उसमें क्या ऐसे कुछ इनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, या फिर इनको अगर हम बोले वेस्ट प्रोडक्ट या फिर ऐसे लगा लीजिए अनावश्यक पदार्थ बोले, कैसे होते हैं ये अनावश्यक पदार्थ। आज आप ये चीज़ आप देखिए, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती आपको घर में, आप क्या करते हो, आप उसको फेंक देते हो, और जिस चीज़ की ज़रूरत बॉडी में नहीं है तो उसको क्या बोल कर दो, बाहर फेंक दो, वही तो क्रिया उत्सर्जन है। क्योंकि आपके घर में अगर कहीं पे कुछ भी गंदगी है, आपको कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो यूज़फुल नहीं है, आप उसको क्या कर देते हो, आप उसको बाहर निकाल देते हो। तो इसी तरीके से बॉडी के अंदर क्या, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब जो रासायनिक क्रियाएँ हुई हैं इनके फलस्वरूप क्या बनेगा, वही चीज़ें बनेंगी क्या, जैसे अमोनिया है, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, यूरिया है, तो इस तरीके की चीज़ें बनती हैं। अब ये जो चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाती, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ये जो सज्जे पदार्थ होते हैं, इसलिए इनको क्या करना होता है, निर्माण तो इनका हो गया है, किन से हुआ कि जो हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जो उनके अंदर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन होती हैं, तब जाके कि इनका ये जो फॉर्मेशन हो गया, इन वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसका फॉर्मेशन हो गया। अब जो मैंने आपको बताया जो चीज़ें ज़रूरी नहीं, जिनका कोई बॉडी के अंदर काम ही नहीं है, उनका निर्माण हो गया तो उसको क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको क्या ज़रूरत होती है, बॉडी से बाहर करने की, ठीक है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है इसकी। क्योंकि मैंने टॉपिक क्या बताया कि इसकी आवश्यकता क्यों, उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों, वो इसीलिए मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, किसके कारण बनते हैं, बॉडी के अंदर जो पाचक क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उसके कारण क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके कारण क्या उत्पन्न होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये उत्पन्न होते हैं। और ये क्या है, ये बॉडी के लिए हानिकारक है, ये जहरीले हो सकते हैं शरीर के लिए, ठीक है, निर्माण तो इनका हो गया, इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, इनको बॉडी के लिए, बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, कैसे प्रोडक्ट हैं ये, हानिकारक हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। और जब ये प्रोडक्ट्स कहते हैं शरीर के लिए हानिकारक हैं, तो इसीलिए तो क्या बोला हमने, अपशिष्ट पदार्थ बोला हमने, अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं बोला ये अपशिष्ट, इसलिए इनको क्या कर दिया जाता है, ये जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे, अपशिष्ट पदार्थ, इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर दिया जाता है, जब भी हार्मफुल है तो इनको क्या कर, इनको फ्री कर दिया जाता है, इनको फ्री करके कहाँ पे निकाल दिया, बॉडी से बाहर कर दिया, ठीक है। ये प्रोसेस होते है किसके अंदर, उत्सर्जन के अंदर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, कि जो उत्सर्जन है वो क्या होता है, ऑर्गन्स हैं जरूरी वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो किस किस तरीके से होती है, किस किस के अंदर कैसे होती है, मेनली उसका बेस क्या है, हम जिसको बोल रहे हैं कि उत्सर्जन की क्रिया होती है तो उसकी ज़रूरत क्या होती है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि वो क्यों होता है उत्सर्जन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ आज के क्वेश्चन की, देखिए जैसे हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रेशन के बारे में, तो आपको बताना है कि जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, तो उन एनिमल्स के बारे में बताना है आपको, कि जैसे कि जो पक्षी होते हैं उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, क्वेश्चन है, जो पक्षी होते हैं उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है और वो किस नेचर का होता है, मतलब वो कैसा होता है, एक तरीके से ये लगा लीजिए, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कौन सा होता है पक्षियों का और वो कैसा होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का रिप्लाई देना, आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताएं कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।